दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। वहाँ नट और बोल्ट की जरूरत जरूर होगी, क्योंकि नट और बोल्ट ही जोड़ने का काम करता है। नट और बोल्ट सभी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, चाहे आपको घर बनाना हो या कोई फैक्ट्री, चाहे कोई गाड़ी बनानी हो या कोई मशीन। नट और बोल्ट सभी इंडस्ट्री का मूल अंग है, क्योंकि बिना नट और बोल्ट हम कुछ भी मैन्युफैक्चर या असेंबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस की बाजार में बड़ी डिमांड है और इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन ना के बराबर है। ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस के जरिए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे अपना खुद का नट और बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल जरूरत होगी, कौन कौन से मशीन की जरूरत होगी, हम मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, हम कैसे माल तैयार कर सकते हैं, टोटल कितनी लागत आएगी और हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 7 से 8 लाख रुपए की जरूरत होगी और इतने पैसों में आपको इस बिजनेस में लगने वाली सारी मशीन आ जाएंगी, साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को अच्छे रूप से चला भी सकेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है तो आप बैंक से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ। नट और बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पहला फिक्स कैपिटल, जिसके अंदर लैंड यानी जमीन, मशीनरी और अन्य खर्च आते हैं और इसके लिए आप बैंक में टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर आपके दूसरे सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, लेबर, प्रोडक्शन और डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे, और इसके लिए आप वर्किंग कैपिटल लोन यानी ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को काफी बढ़ावा दे रही है, इसलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए हमें कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। दोस्तों, नट बोल्ट मेकिंग बिजनेस में यूज में लाया जाने वाला मेन रॉ मटेरियल 2 mm से लेकर 50 mm तक की माइल्ड स्टील रॉड या 2 mm से लेकर 50 mm तक की हेक्सागोनल माइल्ड स्टील रॉड है। ये रॉड आपको स्टील, कॉपर या एल्युमिनियम की भी मिल सकती है बाजार में। इसके अलावा एसिड, लुब्रिकेंट और कुछ दूसरी कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि चूना और लकड़ी की भूसी और कुछ पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे जूट या प्लास्टिक की बोरियां इत्यादि। कुछ जिस साइज के नट या बोल्ट बनाने हो, उस साइज के हिसाब से आप स्टील या दूसरे रॉड का ऑर्डर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ये रॉड खरीद सकते हैं। क्योंकि नट और बोल्ट का यूज अलग अलग मशीन को बनाने में, बिल्डिंग, गाड़ी, हवाई जहाज, रेलवे इत्यादि में किया जाता है, इसलिए इनकी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, ताकि इनके घिसने या ढीला होने पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। जहां तक नट और बोल्ट की क्वालिटी का सवाल है, इसके लिए BIS ने IS स्पेसिफिकेशन निर्धारित किए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि नट और बोल्ट की मैन्युफैक्चरिंग दिए हुए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही हो। वैसे नट बोल्ट मेकिंग बिजनेस में यूज में किया जाने वाला मेन रॉ मटेरियल माइल्ड स्टील रॉड है, जिसे TMT टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है, जिससे आपके द्वारा बनाए गए नट और बोल्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। आपको मार्केट में लगने वाले साइज के नट और बोल्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखना होगा, जैसे कि 6 mm, 8 mm या 10 mm का रॉड, या फिर जिस साइज का ऑर्डर आप लेते हैं उस साइज के हिसाब से रॉ मटेरियल आपको खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ मशीन्स की जरूरत होती है, जैसे कि बोल्ट बनाने के लिए हमें चाहिए डबल स्ट्रोक कोल्ड हेड फोर्जिंग मशीन और हेड ट्रिमिंग मशीन और थ्रेड रोलिंग मशीन और स्टील पॉलिशिंग बैरल। बोल्ट बनाने के लिए मेन ये 4 मशीन की जरूरत होती है। और वहीं नट मेकिंग के लिए हमें मशीन चाहिए होती है ऑटोमेटिक फॉर्मिंग मशीन, लुब्रिकेंट और कूलेंट पंप के साथ, और साथ ही साथ नट टैपिंग मशीन। दोस्तों, बोल्ट बनाने के लिए मेनली डबल स्ट्रोक फोर्जिंग मशीन की जरूरत होती है। ये मशीन सिंगल स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक में मार्केट में मिलती है, जिसके जरिए आप हर साइज के बोल्ट बना सकते हैं, जैसे कि 3 इंच, 4 इंच, या फिर आपको अगर स्क्रू भी बनाना हो जो बिना नट के यूज किए जाते हैं, तो आप इस मशीन के जरिए स्क्रू भी बना सकते हैं। आप बोल्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट भी इस मशीन के जरिए बना सकते हैं। ये मशीन आपको बाजार में सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। इस मशीन में हमें जितनी मोटाई का बोल्ट बनाना हो, उस साइज के स्टील रॉड का एक सिरा इस मशीन में लगाना होता है और मशीन में उस साइज की सेटिंग कर देनी होती है और मशीन खुद ब खुद उस साइज के बोल्ट बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस मशीन के जरिए आप 1 मिनट में 40 से 80 बोल्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी के मशीन अवेलेबल है, इसलिए जैसे मशीन की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक वैसे ही नट बनाने के लिए मेनली ऑटोमेटिक नट फॉर्मिंग मशीन की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप स्टील के रॉड को नट फॉर्मिंग मशीन के जरिए साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। आपको जिस साइज का नट बनाना हो, उस साइज के रॉड मशीन में लगा दें और फिर उसके हिसाब से मशीन में सेटिंग कर दें, फिर ये मशीन उस साइज के हिसाब से नट बनाना शुरू कर देगी। चलिए दोस्तों, हम ठीक से समझते हैं कि हम नट और बोल्ट को मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। स्टील रॉड के पैकेट को हेड फॉर्मिंग मशीन के सामने ऐसे सेट करना होता है कि वो घूम सके और उसके एक सिरे
को ग्राइंडर की मदद से नुकीला बना के हीट फोर्जिंग मशीन में लगा दिया जाता है और उसके बाद मशीन प्रोडक्शन शुरू कर देती है और स्टील रॉड को कट कर उसे बोल्ट का शेप दे देती है और उसके बाद हमें केवल बने हुए बोल्ट को अलग कर लेना होता है। दोस्तों उसके बाद हमें बने हुए बोल्ट को स्टील पॉलिशिंग बैरल में डालना होता है जिसमें हम बने हुए बोल्ट के साथ लकड़ी के भूसी का यूज करते हैं जिससे कि बोल्ट में थोड़ी शाइनिंग आ जाती है और वो देखने में अच्छी लगने लगती है। उसके बाद हमें उस बोल्ट को हेड ट्रिमिंग मशीन में डालना होता है जिसके जरिए बोल्ट का हेड यानी जो ऊपरी सिरा होता है वो शेप में आ जाता है। ये मशीन एक एक बोल्ट के हेड को उसके एक्चुअल शेप में ला देती है। उसके बाद हमें सारे बोल्ट को थ्रेड रोलिंग मशीन में डालना होता है जिसके बाद वो मशीन उसके नीचे के सिरे को शेप में ला देती है ताकि किसी बोल्ट का कोई सिरा टेढ़ा ना रह जाए और वो बिल्कुल शेप में रहे और उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी रहे। उसके बाद हम इस मशीन से निकले बोल्ट को जूट या रस्सी से बने बोरे या पैकेट में पैक कर बेचने के लिए दे देते हैं। हम इसी तरह दोस्तों अलग अलग साइज के बोल्ट, स्क्रू या और भी दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं। वहीं नट बनाने के लिए नट फॉर्मिंग मशीन के द्वारा नट को उसके साइज में काट लिया जाता है। इस मशीन में अलग अलग साइज की पंचिंग डाई लगती है जिसके जरिए हम अलग अलग साइज के नट को बना सकते हैं। ये डाई हम जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहीं से मिल जाएगी। इस मशीन में भी ठीक वैसे ही स्टील रॉड का पैकेट नट फॉर्मिंग मशीन के सामने रखना होता है और उसका एक सिरा मशीन में लगा देना होता है। उसके बाद ये मशीन स्टील रॉड उसके हिसाब से काट के नट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देती है। उसके बाद हम तैयार नट को नट टैपिंग मशीन में डालते हैं और नट टैपिंग मशीन के जरिए हम इसके अंदर के छेद या चूड़ियों को अच्छी शेप देते हैं ताकि वो स्लिप ना करे और इसके बाद इन सारे नट को स्टील पॉलिशिंग बैरल में डाल के अच्छे से चमका लेते हैं और फिर इन्हें जूट या प्लास्टिक के बोरे में पैक कर बेचने के लिए भेज देते हैं। मशीन खरीदेंगे ट्रेनिंग भी आपको वहीं से मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने एरिया के मार्केट में देखें कि मार्केट में किस तरह के नट और बोल्ट की ज्यादा डिमांड है और उसके हिसाब से अपने मशीन और रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करें और साथ ही साथ आपके द्वारा तैयार नट और बोल्ट को मार्केट में बेचने के अलावा अलग अलग कंपनी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छा ऑर्डर मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।